दोस्तों, रामायण और श्री राम के इतिहास के बारे में कौन नहीं जानता है। हम सब जानते हैं कैसे 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को हराकर श्री राम अयोध्या लौटे थे और वहां की राजगद्दी संभाली थी। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या को छोड़ा और अपने शरीर को त्यागा तो उसके बाद क्या हुआ? आखिर श्री राम और उनके भाइयों ने अपने शरीर को कैसे त्यागा था और फिर अयोध्या का क्या हुआ? और क्या आज भी श्री राम के वंशज जिंदा है? ये सारी बातें आपको हैरत में डाल देंगे, तो इसलिए बने रहना इस वीडियो के अंत तक। आप भरत के दो पुत्र थे, तार्च और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और सूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले सूरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भारत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का राज्याभिषेक किया गया। राम ने कुश को दक्षिण कौशल और कुशस्थली कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब दिया। लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, आज के तक्षशिला में। तब भरतपुत्र तक्ष और पुष्करावती पेशावर में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों का अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा यानी विदिशा में शासन था। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को सरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। सरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ है, जिनमें बड़गुजर जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैंसला यानी बैंसला और गहलोत यानी कि गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान यानी कि लाहौर है। यहाँ के किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर, लोबपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान है। कुश के वंशज कौन है? राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि और अतिथि से निस्धन, निस्धन से नभ, नभ से पुंडरीक, पुंडरीक से छेमंधवा, छेमंधवा से देवानीक, देवानीक से अहीनक, अहीनक से रुरु, रुरु से पर्यात्र, पर्यात्र से दल, दल से छल, छल से उक्त, उक्त से वज्रनाभ, वज्रनाभ से गण, गण से व्यूषितास्त्र, व्यूषितास्त्र से विश्वसाह, विश्वसाह से हिरण्याभ, हिरण्याभ से पुष्य, पुष्य से ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण और पद्म से पद्मवर्ण, पद्मवर्ण से शीघ्र, शीघ्र से मरु, मरु से पर्युषुत, पर्युषुत से उदावसु, उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सकेतु, सकेतु से देवरात, देवरात से बृहदुक्त, बृहदुक्त से महावीर, महावीर से सुधृति, सुधृति से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से हर्यव, हर्यव से मरु, मरु से प्रतिंधक, प्रतिंधक से कुतिरथ, कुतिरथ से देवमीढ़ और देवमीढ़ से विबुध, विबुध से महाधरती, महाधरती से कीर्तिरात, कीर्तिरात से महारोमा, महारोमा से स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा से हस्वरोमा,
हासुरोमा से सीरत ध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा सीरत ध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश में इससे आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाह, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोधानुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए थे, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 वर्ष से 7000 वर्ष पूर्व। इसके अलावा शल्य के बाद बाह्छय, उरुक्षय, वसुद्रोह, पृथ्व्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवास्त्र, भानुरथ, प्रतिस्तास्त्र, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नरास्त्रो, अंतरिक्ष, सुसेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतज्ञ, व्रात, रणज्ञ, संजय, शाक्य, शुद्धोदन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजीत, क्षुद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं वे भी श्री राम के वंशज हैं। तो यह सिद्ध हुआ कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाह, कछवाह, मौर्य, शाक्य, भैंसला यानी भैंसला और गहलोत यानी गुहिल आदि जो राजपूत वंश हैं, वे सभी भगवान प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। राजपूत घराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के प्रति पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज हैं। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महान सिंह ने 3 शादियां की थी। मान सिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर और मान सिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मान सिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है जिसका नाम दिया है और जिसका विवाह नरेंद्र सिंह से हुआ था। दिया के बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे का नाम लक्षराज सिंह है। मुसलमान भी हैं राम के वंशज। हालांकि ऐसे कई राजा और महाराजा हैं जिनके पूर्वज श्रीराम थे। राजस्थान में कुछ मुस्लिम समूह कुशवाह वंश से ताल्लुक रखते हैं। मुगल काल में इन सभी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, लेकिन ये सभी आज भी खुद को प्रभु श्रीराम का ही वंशज मानते हैं। इसी तरह मेवात में दहंगल गोत्र के लोग भगवान राम के वंशज हैं और छिरकलोत गोत्र के मुस्लिम वेदवंशी माने जाते हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों पर ऐसे कई मुस्लिम गांव या समूह हैं जो राम के वंश से संबंध रखते हैं। डीएनए शोधानुसार उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम ब्राह्मण, बाकी राजपूत, कायस्थ, क्षत्रिय, वैश्य और दलित वंश से ताल्लुक रखते हैं। लखनऊ के SGPGI के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा के और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए आनुवंशिक शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। दोस्तों, जो लोग श्री रामचंद्र जी को मानते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे तथा बेल आइकन ऑन भी कर लेंगे, जिससे आपको आगे भी वीडियो ऐसी ही मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। धन्यवाद।